अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिविंग विद रहिला। तो आज मैंने आपको समोसा शलवार और बेल्ट वाली जो शलवार होगी उसकी मैंने कटिंग और स्टिचिंग बताऊं। सबसे पहले आज मैं आपको उसकी बेल्ट की कटिंग बताने वाली हूं और फिर मैं स्टिचिंग भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले व्यूवर्स, हम इंचेस टेप ले लेंगे और इसका 5 इंच पर जो है वो हमने निशान को रेडी कर लेंगे। मार्किंग कर ली है हमने इस तरीके से, और 15 इंच का जो होगा हमारा बेल्ट होगा इसको हमने डबल कपड़ा कर लेंगे और सीजर की मदद से इसको काट लेंगे। और इस तरीके से हमने बेल्ट का जो कपड़ा है वो काट लिया है। इसको थोड़ा सा करते हैं साइड पर और आप देख सकते हैं कि हमने ये त्रिकोण जो है वो समोसे टाइप हमने तैयार की है। और दोनों साइडों से हम मेजरमेंट कर लेंगे और इस तरीके से हमने मेजरमेंट कर ली है और सीजर की मदद से हमने पूरा समोसा टाइप जो है इसको काट लेंगे। और हमने ये जो हमने कपड़ा लगाना था वो हमने काट लिया है। और ये देख सकते हैं एक साइड से हमने चुनर्स डालनी है और इसके ऊपर हम लगाएंगे बेल्ट। इसके ऊपर बेल्ट लगाकर और मेजरमेंट को हम कर लेंगे और नीचे से हम जो हमने 5-6 तैयार करने हैं उसको हम काट लेंगे। जैसा कि व्यूवर्स, हमने मेजरमेंट करके और इसकी जो है 5-6 का निशान लगा दिया है और इसकी हमने छांटी कर देनी है नीचे से। एक बार हमने फिर से मेजरमेंट को कर लेंगे, ऊपर से फोल्डिंग कर ली है हमने नेफे की और ये 5-6 की जो है हमने छांटी कर दी। और अब जो है वो हमने इसकी वेस्ट जो है वो हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे और हल्का सा राउंड सी शेप देकर और इसकी जो है वो हमने गुलाई बिल्कुल कर लेनी है वेस्ट की। और इस तरीके से हमने अब वेस्ट की भी कटिंग कर ली है और हल्की सी चुनर डाल के अब हम आ चुके हैं मशीन पर। सबसे पहले हमने बेल्ट वाले कपड़े को जो है वो डबल करके और उसके अंदर जो है वो टुक लगाया है और उसी तरीके से हमने जो शलवार की वेस्ट का कपड़ा था उसको भी हमने टुक लगाकर और बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख के और इस तरीके से जो है वो मैंने चुनर्स जो है वो डालनी शुरू कर देनी है। और बड़ी आराम आराम के साथ हमने प्लेट्स वाली चुनर्स जो है वो डालनी है। और इस तरीके से जो है वो मैंने चुनर्स डालते जानी है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो मैंने कपड़े को फिक्स करते जाना है साथ साथ में और दोनों ना एक दूसरे के ऊपर से बड़े बिल्कुल बराबर आए, इक्वल आए। जैसे कि व्यूवर, दूसरी साइड्स पर भी हमने उसी तरीके से मशीन के नीचे को हमने बेल्ट कर लेनी है और उसी तरीके से जो है वो चुनर्स डालेंगे। और वैसे ही प्लेट्स वाली चुनर्स हैं हमारी और बेल्ट वाली समोसा शलवार बेबी शलवार है हमारी ये वाली। और बिल्कुल आराम आराम से जो है वो हमने चुनर्स डालते जाना है फिर से। कि व्यूवर्स, एक जो है थाइस का हिस्सा वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और बेल्ट के साथ हमने जो है वो चुनर्स को कंप्लीट कर लिया। और दूसरी साइड पर भी उधर से हमने टुक के ऊपर टुक को चढ़ाकर और वैसे ही हमने जो है चुनर्स डालनी शुरू कर देनी है आपने। और इसी तरीके से आपने जो है वो चुनर्स डालते जाना है बड़े आराम आराम के साथ और वैसे ही हमारा दूसरा थाइस वाला जो हिस्सा होगा वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे और बड़े आराम आराम के साथ जो है वो चुनर्स हमने कंप्लीट करनी है। और इसी तरीके से जो है वो हमने सिलाई को रेडी करते जाना है।
दूसरी साइड पर भी जो आसन की सिलाई है उसको हमने लगा दिया है। और अब हमने जो नेफे की फोल्डिंग है उसकी हमने जो नेफा है उसकी फोल्डिंग शुरू कर देनी है। और एक इंच का हमने जो नेफा है वो रेडी करेंगे। इस तरीके से आपने जो है नेफे को फोल्डिंग करके और सिलाई को लगाते जाना है। जैसे कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेफा है वो कंप्लीट होने वाला है। और इस तरीके से आपने जो है नेफे की सिलाई कंप्लीट कर ली। और इधर हम आ जाते हैं पांचे की बारी। और पांचे को जो है वो हमने आराम आराम के साथ फोल्डिंग करनी है और इसके अंदर जो है बुकरम वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। वैसे ही हमने फोल्डिंग इसकी करके और इसके ऊपर जो है वो सिलाई को लगा देना है। और पांचे की जो है हमने डबल करके और इसकी मेजरमेंट करके और अब हम जो है वो नाली की सिलाई को लगाना शुरू कर देंगे। और इसकी आसन की मेजरमेंट करके और इधर तक हम ले आए हैं सिलाई को। और इधर रोक कर और दूसरी पांचे की भी हमने वैसे ही मेजरमेंट करके और इसकी जो है वो सिलाई को लगाना शुरू कर देंगे। और एक साइड से जैसे हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है वैसे ही हमने अब दूसरी साइड की जो है वो सिलाई को कंप्लीट कर लिया। और इधर से हम पक्का कर लेंगे आसन से और इसको बाहर निकाल कर एक्स्ट्रा कपड़े को जो है वो हम काट देंगे। और इसकी आसन के अंदर जो है वो हमने टुक लगा देने हैं। जैसा कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट लिया है और सलवार को हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये थी हमारी समोसा सलवार बेल्ट वाली। और 5 इंच का हमने बेल्ट रखा था और 2 इंच की हमारी फोल्डिंग होगी। 3 इंच का हमारा बेल्ट रह गया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, पसंद भी आएगी और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी हमारी समोसा बेल्ट वाली छोटी सी सलवार, आपको अच्छी लगेगी। इसी तरीके से हमने बड़ी भी सलवार काट कर और वैसे ही स्टिच कर सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।